सनसनी म्यूजिक शो चलता रहा। गुंडे लड़कियों से छेड़खानी करते रहे, दिल्ली के लेडी कॉलेज में शर्मनाक कांड। दिल्ली के गुंडों से बेटी बचाओ। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। दिल्ली में अगली सरकार किसकी होगी, कल यह साफ हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की डरावनी तस्वीर क्या कभी बदल पाएगी? दिल्ली के एक लेडी कॉलेज में हुई मनचले गुंडों की शर्मनाक करतूत के बाद यह सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है। जी हां, सनसनी में आज कहानी दिल्ली के गार्गी कॉलेज की, जहां कॉलेज फेस्ट के म्यूजिक शो में 200 से भी ज्यादा गुंडे घुस गए और इसके बाद छात्राओं के साथ सरेआम छेड़खानी, अश्लील हरकत और बेशर्मी का ऐसा खेल खेला गया जिसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। म्यूजिक शो चलता रहा और मनचले लड़कियों से छेड़खानी करते रहे। स्टेज पर संगीत का समा बंधा था और स्टेज के सामने छात्राओं के साथ होती रही बेशर्मी। कॉलेज फेस्टिवल में पुलिस प्रशासन खामोश बैठा था। और छात्राओं के साथ खुलेआम हुई गुंडागर्दी। दिल्ली के गार्गी कॉलेज में हुए शर्मनाक कांड ने एक बार फिर दिल्ली के डरावने सच को सामने ला दिया है। गार्गी कॉलेज में हुई घिनौनी घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि निर्भया कांड के 7 साल बाद भी दिल्ली में कुछ नहीं बदला। दिल्ली के एक पॉश इलाके में है दिल्ली विश्वविद्यालय का गार्गी कॉलेज। चूंकि यह महिला कॉलेज है, इसलिए यहां सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। इस कॉलेज में हर साल छात्राएं एक फेस्टिवल मनाती हैं। छात्राओं के लिए यह मनोरंजन और जश्न का मौका होता है। लेकिन गार्गी कॉलेज के फेस्टिवल में इस बार जो कुछ हुआ, उसने सबको कर दिया है सन। ये तस्वीरें दिल्ली के गार्गी कॉलेज कैंपस की हैं, जहां 6 फरवरी को एक बड़ा समारोह चल रहा था। कॉलेज फेस्टिवल में म्यूजिक शो का आयोजन किया गया था, जिसके लिए कुछ नामचीन गायक कलाकार बुलाए गए थे। इस वीडियो में तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा है। स्टेज पर उतरे कलाकार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस म्यूजिक शो के दौरान जो कुछ हुआ वो जानकर आप सकते में आ जाएंगे। छात्राओं के मुताबिक जिस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान 200 से भी ज्यादा बाहरी लोग छात्राओं के बीच घुस गए थे। वो छात्राओं के साथ खुलेआम छेड़खानी कर रहे थे, अश्लील हरकतें कर रहे थे। और मेबी मोर देन 100 मिडिल एज मैन, उन्होंने हमारा कॉलेज का गेट क्रैश करा एंड उन्होंने वो लोग डायरेक्ट गेट क्रैश करके वो लोग हमारे कॉलेज के अंदर घुस गए एंड जहाँ हमारा फेस्ट हो रहा था
उस एरिया में उन्होंने एंटर करा एंड दे स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद गर्ल्स। इतनी सारी बच्चियों के साथ अगर एक जगह पे छेड़छाड़ होती है, वहाँ दिल्ली पुलिस के जवान प्रेजेंट होते हैं और लड़कियां देखती हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ हो रही है, फिर भी कोई जवान कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो इन लड़कियों को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा दिल्ली पुलिस पे? क्या DCP यहाँ पे आए? क्या उन्होंने बात करी लड़कियों से? जब मैं जाके लड़कियों से बात कर रही हूँ, वो सब रिटर्न में कंप्लेंट देने को तैयार है, तो हमें कॉन्फिडेंस तो देना पड़ेगा ना। 4 दिन हो जाते हैं, अगर यहाँ पे इतना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ जवानों के सामने हुआ, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो तुरंत और फोर्स बुलाते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो तुरंत खुद ही FIR लिख के देते कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है लड़कियों के सामने इतनी बड़ी घटना हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए? गार्गी कॉलेज की छात्राओं के मुताबिक उनके कैंपस में घुसे लोगों ने छात्राओं के साथ जिस तरह की बेशर्मी की उसे बयां करना भी मुश्किल है। कॉलेज में घुसने वाले लोगों में कई युवक थे तो कई अधेड़ किस्म के लोग, कोई नशे में धुत था तो कोई छात्राओं के साथ जोर जबरदस्ती करने पर आमादा था। यही नहीं, चश्मदीदों के मुताबिक कुछ एक लोग तो अपने कपड़े खोलकर गंदी हरकत करते पाए गए। सवाल है कि आखिर वो लोग कौन थे और कॉलेज कैंपस में आखिर घुसे कैसे? गार्गी कॉलेज में घुसकर बेशर्मी की हदों को पार करने वाले कौन थे? इस पड़ताल से पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो लोग कॉलेज कैंपस में घुसे कैसे। कॉलेज छात्राओं के मुताबिक 6 फरवरी को दोपहर से ही कॉलेज कैंपस में कलाकारों का कार्यक्रम शुरू हो गया था, लेकिन शाम होने से पहले अचानक बाहर से आए सैकड़ों लोग बेखौफ होकर कॉलेज कैंपस में घुसने लगे। अचानक बाहरी लोगों के कैंपस में घुसने से छात्राओं में हड़कंप मच गया, लेकिन लोगों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। ये तस्वीरें ठीक उसी दौरान की हैं जब बाहर से आए 100 से भी ज्यादा मनचले गुंडे किस्म के लोगों ने गार्गी कॉलेज पर धावा बोल दिया था। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जिस वक्त गार्गी कॉलेज में गुंडे बदमाश घुस रहे थे, उस दौरान गेट के पास खड़ी पुलिस और गार्ड सिर्फ तमाशा देखते रहे। 4 या 4:30 बजे तक वो था कि वो लोग पासेस चेक कर रहे हैं, बट एक टाइम के बाद बाहर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी और एक कार थी जिसको अंदर लाना था, तो गेट गार्ड ने क्या करा, उन्होंने वो गेट खोल दिया विदाउट रियलाइजिंग कि बाहर इतनी भीड़ है। वो सारे के सारे भाग कर अंदर आ गए। एक पास में एक की एंट्री थी एंड बट जब गेट खुला तो सो मेनी मैन अराउंड 100 or 200 वो बिना ID कार्ड और पासेस के आए हैं, तो दैट मेड सिचुएशन वर्स। कैंपस में घुसे 100 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ से कॉलेज की छात्राएं हक्की बक्की रह गई। यही नहीं, बाहर से आए लोगों की भीड़ ने जब छेड़खानी और गंदी हरकतें शुरू कर दी तो छात्राएं सकते में आ गईं। 4 बजे के अराउंड क्राउड ज्यादा बढ़ने लग गया और उस टाइम पे गेट्स क्रैश भी हुए थे जिसकी वजह से अराउंड 100 या 200 तक लोग अंदर आ गए थे, मेन और इवन गाइस, लाइक इवन मेन टू अराउंड एज 30, एंड बाई 8 or 9 PM क्राउड गॉट वर्स एंड देन आई लेफ्ट अराउंड 6:30 और समथिंग, सॉरी मैंने लाइक 6:30 तक आई लेफ्ट, तो बट हुआ क्या, तब तक आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड एंड मैंने नोटिस करा कि क्राउड बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो हमने डिसाइड करा कि हमें अभी फेस्ट इन्जॉय नहीं करना है, लीव इट, इतना भी अच्छा नहीं होगा, क्या कहते हैं, हमें लाइक अपना सेफ्टी और कम्फर्टेबल ज़्यादा वो मैटर कर रहा था, बट क्राउड बहुत ही बुरा था क्योंकि मेरी 2-3 दोस्त जो बाकी ड्यू कॉलेज से आई थी उन्होंने बताया, क्योंकि वो तो 10-11 बजे निकली थी यहाँ से, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही बेकार क्राउड था, वो हमें बैरिकेड्स के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, और अगर घुसने दे रहे थे तो देवर लाइक एक बार घुस जाओगे बाहर नहीं आ जाओ, बाहर नहीं आ सकते, तुम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही 10-11 बजे पे ही बाहर निकल सकते। गेट है गार्गी कॉलेज के बाहर, ये सामने जो आप एक गेट देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स के जाने का गेट है। 6 तारीख को जब कॉलेज में फेस्ट था दिन से लेकर रात के 11 बजे तक, जैसा कि छात्राओं ने बताया, उस दिन एक पास पे एक व्यक्ति की अनुमति थी। सामने जो आप गेट देख रहे हैं ये दूसरा गेट है, यहाँ से स्टाफ एंट्री है। 6 तारीख की शाम को कॉलेज फेस्ट में 4 बजे के तकरीबन कुछ लड़के, कुछ बाहर के लोग, बाहरी लोग, उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, वो लोग जबरदस्ती बिना पास के अंदर कॉलेज कैंपस में घुसे। छात्राओं का कहना है कि कैंपस में जो लोग घुसे थे उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, नशे में धुत थे। उसके बाद जो तमाम लोग थे उन्होंने गेट क्रैश करके अंदर घुसकर छात्राओं के साथ बदतमीजी की। गार्गी कॉलेज की छात्राओं के मुताबिक बाहर से आए हुंडे बदमाशों ने मानो कुछ घंटों के लिए उनके कॉलेज पर ही कब्जा कर लिया था
उनके डर से कई छात्राओं ने कैंपस से निकलने की कोशिश की तो उन्हें बाहर निकलने भी नहीं दिया गया। और इन सब के बीच बदमाशों की टोली छात्राओं से छेड़खानी और गंदी हरकतें करती रही। छात्राओं को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दिल्ली में वो पढ़ती हैं उसी दिल्ली में 200 से भी ज्यादा गुंडे उनके कैंपस में ही घुसकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाएंगे। सवाल है कि जिस वक्त गार्गी कॉलेज में यह सब हो रहा था उस वक्त कहां सोया था कॉलेज प्रशासन? गार्गी, आर यू विद मी? गार्गी कॉलेज फेस्ट में म्यूजिक की धुन पर खुलेआम बेशर्मी का खेल चलता रहा, लेकिन कॉलेज प्रशासन आंखें मूंदे बैठा था। छात्राएं इस बात से भी हैरान थीं कि जिन कॉलेज स्टाफ की एंट्री गेट पर ड्यूटी थी वो भी हाथ बांधे खड़े रहे। किसी भी पर्सन को एज अ ड्यूटी यहाँ रखा गया, किसी भी स्टाफ को, तो उन लोगों को उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। यहाँ पे जो स्टाफ था उन लोगों ने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया उन लोगों के अगेंस्ट। अगर आप देख रहे हो कि हाँ इतनी भारी भीड़ है तो उन एंट्री बंद कर देनी चाहिए थी। एंट्री टाइम से बंद ही नहीं हुई। एंट्री अगर टाइम से बंद हुई होती तो इतनी भीड़ ही नहीं होती। लड़के गेट तोड़ के घुसे जा रहे, मतलब इतना वायलेंट हो गया था सब कुछ। और छह फरवरी को गार्गी कॉलेज कैंपस में जो कुछ हुआ उसने छात्राओं को दहशत से भर दिया। छात्राओं के मुताबिक गुंडागर्दी के दौरान वो पुलिस को भी फोन नहीं कर पाए क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने कैंपस में मोबाइल फोन जैमर लगा रखा है। जैमर लगाने से नेटवर्क बंद हो जाता है और फोन कॉल भी नहीं किया जा सकता। अब सुनिए कॉलेज प्रशासन की असलियत। गार्गी कॉलेज की छात्राओं के मुताबिक उन्होंने 6 फरवरी की घटना पर कॉलेज प्रशासन को एक्शन लेने के लिए कहा। छात्राओं ने कॉलेज प्रिंसिपल को इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत करने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें जवाब क्या मिला यह जानकर आप भी सकते में आ जाएंगे। गार्गी कॉलेज की छात्राओं के मुताबिक वो 6 फरवरी की घटना को लेकर जब कॉलेज की प्रिंसिपल से मिली तो उन्हें ये कहा गया कि वो ऐसे फेस्टिवल आयोजित ही क्यों करवाती हैं और छात्राएं ऐसी फेस्टिवल में जाती ही क्यों हैं। महिला विरोधी कमेंट गार्गी कॉलेज कर रही है। वो कहती है कि जनरेशन गैप है। वो कहती है कि आप फेस्ट में आए क्यों, या फिर उन्हें इवन एसओएल के स्टूडेंट्स पे, इन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट पे ये कमेंट किया था, आप चूड़ियां पहन के घर पे बैठ जाओ। गार्गी कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो खुद एक औरत है। कि सड़क पे चलती है लड़की, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, घर में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। अगर कम से कम जो बच्चियां कॉलेज आ रही हैं कम से कम वहां तो सुरक्षा प्रदान करो। अगर वहां पे आपके जवान कम थे तो आपको तुरंत डीसीपी को कॉल करके इंश्योर करवाना चाहिए था कि यहाँ पे जवान ज्यादा हो। ऐसे आदमी जो कि लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं उनको तो पकड़ के खदेड़ना चाहिए था, बाहर फेंकना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था। और दिल्ली पुलिस आंख बंद करके बैठी और 4 दिन तक आंख बंद करके बैठी रही, ये बहुत शर्म की बात है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कॉलेज प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये और गुंडागर्दी के खिलाफ गार्गी कॉलेज की छात्राएं बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने सोमवार को कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। गार्गी कॉलेज में हमारी बेटियों के साथ बदसलूकी बेहद दुखद और निराशाजनक है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोषियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ये सुनिश्चित हो कि हमारे कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हो। गार्गी कॉलेज की छात्राओं के साथ हुई घटना को लेकर संसद में भी सवाल उठा। यहाँ तक कि इस मामले में केंद्र सरकार को कार्रवाई का आश्वासन देना पड़ा। जो ये घटना का जिक्र कर रहे हैं, जो संज्ञान में आए हैं, वो छात्र नहीं थे, कहीं बाहर के लोग वहाँ घुसे थे, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए उस कॉलेज के प्रशासन को पूछा गया कि इसमें ध्यान दें। गार्गी कॉलेज की घटना का मामला जब सड़क से लेकर संसद तक गूंजा तब जाकर गार्गी कॉलेज प्रशासन की नींद खुली। कॉलेज प्रशासन ने मामले को लेकर एक जांच कमेटी बनाई है, साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। गार्गी कॉलेज प्रशासन ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई करने का वादा किया है। पुलिस अब इस मामले की छानबीन करेगी और हो सकता है कि इस मामले में कुछ लोग पकड़े भी जाएं। लेकिन एक सवाल वहीं का वहीं कायम है।
निर्भया कांड के 7 साल बाद भी दिल्ली की ऐसी डरावनी तस्वीर आखिर क्यों है? दिल्ली में रहने वाले वो लोग कौन हैं जो वक्त बेवक्त वहशी बन जाते हैं, दरिंदे बन जाते हैं, और आखिर उन्हें पुलिस का कोई खौफ क्यों नहीं है? दिल्ली के कॉलेज में लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़छाड़ की शर्मनाक दास्तान के बाद अब कहानी महाराष्ट्र में रहने वाली एक लेडी टीचर की। वो सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन कॉलेज पहुंचने से पहले ही एक शैतान की साजिश का शिकार बन गई वो लेडी टीचर। इस तस्वीर में नजर आ रहा ये खूबसूरत चेहरा अंकिता पिसुड़े का है। महाराष्ट्र के वर्धा में रहने वाली अंकिता अब हमेशा के लिए एक तस्वीर बनकर रह गई है। हफ्ते भर पहले विकेश नागराले नाम के एक दरिंदे ने अंकिता को जिंदा जला दिया था। करीब हफ्ते भर तक अलग अलग अस्पतालों में मौत से लड़ने के बाद आखिरकार अंकिता अपनी जिंदगी की जंग हार गई। बुरी तरह से झुलसी अंकिता ने नागपुर के एक अस्पताल में सोमवार तड़के दम तोड़ दिया। अंकिता एक वुमेन कॉलेज में लेक्चरर थी। वो बेहद हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन एक तरफा इश्क में अंधे एक सिरफिरे ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। और एक दिन उस सिरफिरे ने सरेआम अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर उसके जिस्म को आग के हवाले कर दिया। लेडी लेक्चरर अंकिता की मौत ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वर्धा की हैं। लोगों का ये गुस्सा भड़का था लेडी लेक्चरर अंकिता पिसुड़े की मौत पर। ये गुस्सा विकेश नागराले नाम के उस शैतान के खिलाफ था जिसने अंकिता को जिंदा आग के हवाले कर दिया था। अंकिता की मौत की खबर सुनते ही गुस्सा आए लोगों ने नागपुर हैदराबाद ओल्ड हाईवे जाम कर दिया। इस भीड़ में अंकिता के परिवार वाले और रिश्तेदारों के साथ साथ वो तमाम लोग शामिल थे जो अंकिता के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे थे। वो सभी लोग अंकिता को जिंदा जलाने वाले आरोपी विकेश के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे थे। नारेबाजी और हंगामा कर रहे लोगों ने काफी देर तक हाईवे को जाम रखा। एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां जाम में फंसी खड़ी थीं। पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी लोग रास्ता खोलने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच कुछ लोग सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करने लगे। और फिर लोगों को खदेड़ने के लिए वहां शुरू हो गया पुलिस का लाठीचार्ज। लाठीचार्ज होते ही हाईवे पर हड़कंप मच गया। अभी तक जो लोग नारेबाजी कर रहे थे वो तमाम लोग भागते हुए नजर आए। हालात पर काबू पाने में महाराष्ट्र पुलिस के भी पसीने छूट गए।
सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में अभी बस इतना ही। सनसनी।